सब्सक्राइब करो एवरीबॉडी, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। इतने ठंडे पानी में और क्या। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से व्यू के साथ। मेरे पीछे दिख रहा होगा बहुत सी खूबसूरत सा व्यू आपको, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ हेमकुंड साहिब, और अराउंड अभी टाइम हो रहा है 11:13, यानी कि काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं वहाँ पे। रात में आप रुक नहीं सकते, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, आप कैंपिंग भी नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम है और वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है और एनी टाइम कभी भी वहाँ पे बारिश हो सकती है। सो यार मुझे जाने में काफ़ी लेट हो रहा है, और मेरे साथ जो थे केरला वाले भाई साहब वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। मुझे काफ़ी थकावट फील हो रही है, चढ़ाई बहुत ही लंबी है ऊंची है, तो अभी आगे चलते हैं और यहाँ का सो शानदार सा व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो बादल बिल्कुल माउंट के करीब है। और तो आई होप कि आपको जितने भी वीडियोज में जो व्यू देखने को मिल रहे हैं अच्छे लग रहे होंगे, काफ़ी आपको अच्छा भी लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा देख के। तो वीडियो बनाने में मेहनत हो रही है, इसके लिए एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप लोग रास्ता देख सकते हो, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है और कितनी ऊँची लंबी चढ़ाई है। सो यार बहुत थक गए हैं, अभी हम लोग मात्र 3 किलोमीटर चले हैं और बहुत थक गए हैं, अभी 4 किलोमीटर अराउंड जाना है, और जाना हम लोग को वहाँ ऊपर तो जाना है। थकावट बहुत हो रही है और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाऊँ ऊपर जाना है, शानदार से व्यू लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। यार थकावट तो हो रही है बट चलते चलते बात करते हैं। थकावट तो हो रही है बट मज़ा भी बहुत आ रहा है, जो व्यू है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं जब शरीर को टच कर रही हैं, तो एक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से फील हो रही है। हालांकि रास्ता थोड़ा हार्ड है, टफली है, चलने में दिक्कत हो रही है, और दिख रहा है आपको मेरे पीछे कोई भी नहीं आ रहा है, यानी कि सबसे लेट मैं हूँ। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे लंगर भी लगता है, आपको पता होगा लंगर क्या होता है, यानी गुरुद्वारे में जो खाना खिलाया जाता है उसको लंगर बोलते हैं। तो वहाँ पे नाश्ता पानी होगा, उसके बाद माथा टेका जाएगा, उसके बाद फिर रिटर्न आएंगे। सो यार फाइनली इतने मेहनत की बाद हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए। ये भाई साहब उल्टा चल रहे हैं, काफ़ी कम्फर्टेबल लग रहा है अच्छा लग, और ब्रो तो बहुत नज़दीक पहुँचे यार, अभी तक मैं 2 घंटे बैठा था और तब से ब्रो यहीं तक पहुँचे। हाँ जी नहीं जी वीडियो ब्रो यू आर गोइंग वेरी स्लोली भाई, ब्रीथिंग सो हार्डली बट अरे हार्डली रूट वेरी हार्डली मेरी स्टिक हो गई, आई लॉस्ट माई स्टिक, ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्लोली स्लोली ओके। यार ब्रो को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है इसलिए स्लोली चल रहा है, और यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, 10 की सामान 30 में मिल रही है,
30 की सामान 60 में मिल रही है, 60 की सामान 150 में मिल रही है, तो आप ऊपर जा रहे हो तो नीचे से ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सामान स्टोर करके ऊपर ले आओ। ओके तो ब्रो हम अभी चलते हैं, अभी तो फिलहाल रेस्ट करेंगे कुछ देर, उसके बाद चलेंगे साथ में ऊपर। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1.5 किलोमीटर्स। हाँ जी बस। और अंकल जी कितना दूर होगा अभी? अभी एक घंटा लगेगा कम से कम। एक घंटा? तो आप तो आप कब कब का निकलते हैं अंकल जी? सुबह में है? सुबह में कब निकले थे आप? 4:30। 4:30 बजे निकले थे। ओके अंकल जी। या क्या जर्नी? तो हम लोग निकले थे क्या? थैंक यू। तो हम लोग निकले थे 8 बजे और अभी अराउंड टाइम हो रहा है आई थिंक 12 बज रहे हैं। तो एक घंटा और लगेगा, तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए। यार मैंने कहा था ना आपसे, यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये बिस्किट MRP इस पर 10 है और इसका मैंने पे किया है 30 रुपये, तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी महंगाई है। तो फिलहाल यहाँ से 2 रूट जाते हैं, ये रूट भी जाता है, ये शॉर्ट रूट है और उधर एक लॉन्ग रूट है, तो उस रूट को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग इस रूट को लेंगे। गो दिस रूट इज़ बेस्ट। ओके तो इस रूट को हम लोग लेंगे और ये काफ़ी शॉर्ट है, हाँ थोड़ा सा ऊपर डिफिकल्ट है, हार्डली है, बट शॉर्ट है, काफ़ी कम टाइम लगेगा पहुँचने में। तो अभी तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ से जो ऊपर का ग्लेशियर है ना दिख रहा है, बादल काफ़ी पहाड़ों से पास में, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों ने बादलों को चीर दिया है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ऊँचाई पे, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। सो यार आपने व्यू देख लिया और हमने रेस्ट कर लिया, तो आगे चलते हैं क्योंकि हम लोगों को नीचे भी जाना है और जितनी चढ़ाई है उतने नीचे भी जाना है भाई लोग, तो बहुत मेहनत हो रही है, हाथ पैर सब दर्द कर रहा है आजकल। आप सीढ़ियाँ देख सकते हो, इतने टफ है, ब्रो जा रहा है, ब्रो नहीं जा पा रहा, मैं चलता हूँ। या आप लोग सीढ़ियाँ देख सकते हो, ब्रो हार्डली वेरी हार्ड बट वेरी शॉर्ट, या वेरी शॉर्ट, या आप सीढ़ियाँ देख सकते हो कितनी मस्त है, ऊपर जा रहे हैं। या मैं तो काफ़ी फिर चल रहा हूँ, ऊपर तक जाना है। सर यार यहाँ पे आगे एक मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, ब्यूटीफुल वाटरफॉल, आवाज़ भी आ रही होगी और मेरी सांसें भी फूल रही हैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, काफ़ी हाइट और हार्डली सीढ़ियाँ हैं, तो एक एक स्टेप बहुत ही आराम से चल रहे हैं। आपको वाटरफॉल दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल, बट बहुत ही शोर हो रहा है, तो आवाज़ से कम सुनाई दे रही होगी मेरी और सांसें फूल रहे, तो ये तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं देखो भैया मुझे स्टिक्स मिल गई आपके, देखो क्या मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा वाटरफॉल, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नीचे पानी रखा सर, चलते चलते प्यास लगी तो इधर एक पानी बह रहा है, तो वहाँ से थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि आप बिना पानी के आगे नहीं बढ़ सकता। मैं बिस्किट खाया हूँ ना तो प्यास लग रही है, मीठा होता है बिस्किट तो, और बहुत ही अंदर जाना पड़ेगा बहुत ही। बहुत ठंडा है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको, ग्लेशियर का पानी है, बहुत ही ठंडा है, अगर आप इससे नहा लो तो बीमार पक्का पड़ जाओगे, अगर बीमार आप पड़े यहाँ पे मेडिकल भी बढ़िया नहीं है कि आप एडमिट हो सकते हो या फिर बढ़िया दवाई मिल सकती है। तो यार तो ऐसे जगहों पे एक फ़ायदा है, हो गया, तो यार ऐसे जगहों पे एक फ़ायदा है कि आप पानी अगर बोतल नहीं रहे हैं तो पानी बेहतर रहता है, साफ़ पानी, बिल्कुल साफ़ पानी आप वहाँ से पी सकते हो,
और मुझे दो स्टिक्स मिली, तो इससे चलने में काफ़ी हेल्प हो रही है। कोई छोड़ के चला गया था नीचे, तो मैंने ले लिया। जाते वक्त मैं जहाँ से उठाया था वहीं रख दूँगा, ताकि किसी और को भी हेल्प हो सके। एक्चुअली मैंने जो कल स्टिक पाई थी ना, मिली थी, मैंने उसको वहीं पर रख दिया, इसलिए तो मैंने उस स्टिक को अगर लेके आया था तो बढ़िया रहता। अभी जाना है ऊपर, और ब्रो काफ़ी नीचे हैं, तो इसलिए पानी का बोतल नहीं ले पाया। वो लिए हैं बोतल, मैंने लिया, तो उनसे मेरा काम चल जाता है। फिलहाल तो हाथ भी दर्द करने लगा और पैर भी दर्द करने लगा। फाइनली हम लोग पहुँच गए, और एक जो मेरे पास सिस्टर थी उसने उसको मैंने दे दिया एक आंटी को, ताकि वो उसको उनको आने में आसानी हो सके। पहुँच गया अभी, अभी कुछ देर पे बंदे आपको कुछ काम चल रहा है, इतना कुछ काम चल रहा है और आपको दिख रहा होगा। जो मेरे पीछे है यहाँ पे आपको जूते और चप्पल निकालने इसके आगे आप जूते चप्पल पहन के नहीं जा सकते। तो हम लोग अभी जा रहे हैं और आगे और आगे, और 7 किलोमीटर लंबी चढ़ाई के बाद यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है और काफ़ी अच्छा लग। यहाँ पे इतनी ठंड नहीं यार, यहाँ पे गर्मी है दिल्ली में यार, यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। पास में एक तालाब है, ये देखो यही है हेमकुंड साहिब, और ये आगे एक तालाब है, नदी बोल सकते हैं ऐसे, तालाब ही बोलेंगे। और अच्छा व्यू है, बहुत लोग आए हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते रहने के लिए। दिख रहा है ये हेमकुंड साहिब, यहाँ अंदर लोग मत्था टेकते हैं, और ये जल है, लोग इस जल को भी लेके जाते हैं अपने घर पे, और लोग नहा भी रहे हैं, इतने ठंड पानी में लोग नहा रहे हैं। लग लग गया अब, अच्छा काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ब्यूटीफुल सा। थोड़ा उधर चलते हैं, और वहाँ पे देखिए एक छोटा सा लक्ष्मण मंदिर, यानी कि श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर है, वहाँ भी लोग जाते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी इंडिया के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, और विदेशों से भी कुछ कुछ लोग यहाँ पे आते हैं। ये नदी का पानी इधर से जा रहा है नीचे, जो नीचे झरना था वो है। और एक मिनट हम लोग भी बेल बजा देते हैं, काफ़ी अच्छी है। ये है लक्ष्मण, श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, मेरे पीछे आपको दिख रही होगी, और ये पीछे आने के बाद, और हम लोग चलेंगे लंगर में, वहाँ पे कुछ नाश्ते और खाना खाएंगे, तो फिलहाल दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। यहाँ तो दर्शन हो गए, अब चलते हैं गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं, और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे, और वहाँ से जो व्यू है वो आपको दिखाएंगे। ओके, हमारे साथ एक भाई हैं, ये हैं फिलहाल पंजाब से। पंजाब से? पंजाब में कहाँ से किया? पंजाब में राजपुरा पटियाला। पटियाला से? और हम, मैं तो यूपी से, तो आपको कैसा लगा? यूपी में कहाँ से हो?
आजमगढ़ ओके। आप यूपी आए कभी? यूपी हम आए हैं, सहारनपुर आए हैं। सहारनपुर हाँ। या तो आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। नहा लिया आप भी? नहा लिया, नहा लिया। इतने ठंडे पानी में? और क्या, ठंड आप ठंड नहीं लग रही? नहीं ठंड नहीं लग रही बिल्कुल। अब नहीं लग रही है? नहीं लग रही है। तो अभी आप लोग कहाँ जाओगे? अब हम जाएंगे गोविंद धाम, और गोविंद धाम से शायद हम हेलीकॉप्टर से गोविंद घाट। गोविंद घाट ओके। तो भाई जाएंगे गोविंद घाट, फिर बाई हेलीकॉप्टर से जाएंगे गोविंद धाम। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नाइस जर्नी। और आपके चैनल का नाम क्या? केरा। यहाँ पे घूम लिया हमने, मट्ठा भी टेक लिया, बस नहा नहीं कर पाए क्योंकि मैंने कपड़े नहीं लाए। नहान किया होता तो फिलहाल भूख बहुत ज़ोर से लगी है, तो लंगर भी चलते हैं कुछ खा लेते हैं। ये है दरिया, ये चाय, हम लोग को लंगर में ये मिला है, दरिया और चाय प्रसाद मिला था तो मैंने वो खा गया। तो यहाँ से अभी खाते हैं, उसके बाद ब्रो व्हाट आर डूइंग एंड गो बैक। तो या हम लोग अभी यहाँ से आएंगे, उसके बाद तो वापस चल। इज वेरी हार्ड एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, इट्स वेरी गुड। यार अचानक से मौसम बहुत चेंज हो गया है, तो गुरुद्वारा को बंद कर दिया गया है, और अचानक से बहुत मौसम आप देख सकते हो, कोहरा अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठंड अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो और हमने चाय पिया था, थोड़ी गर्मी है, बट नीचे और भी मौसम ख़राब होगा आई थिंक, बट कोई बात नहीं, हमें शाम तक नीचे पहुँच जाना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और आपको एक बात मैं बता दूँ कि यहाँ पर एक बंदा मुझे वीडियो बनाने से रोक रहा था, कह रहा था कि गुरुद्वारे पे आप वीडियो नहीं बना सकते। हालांकि मैं गुरुद्वारे वीडियो नहीं बना रहा था, उसके बस साइड में जहाँ पे नहा रहे थे वहाँ बना रहा था, तो उन्होंने बोला, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब आप मना कर रहे हो तो फिर क्या करना है। सो यही सब है यार, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई जगह पे।